हाँ जी स्टूडेंट्स, अज का लैक्चर जिहड़ा है पाइथन डेटा टाइप सीरीज़ का सैकेंड लैक्चर आ। इस तो पहले असी पाइथन डेटा टाइप के उपर एक लैक्चर देख चुके हैं पहले, जिदे विच असी पाइथन दियां दो डेटा टाइप स्टडी कीतियां सी। एक न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टडी कीतियां सी असी पाइथन दियां, ते सैकेंड पाइथन स्ट्रिंग असी जिहड़ी डेटा टाइप आ उह स्टडी कीती सी। हुण जिहड़ी पाइथन दी थर्ड डेटा टाइप साडे कोल आ, उह लिस्ट डेटा टाइप है। आड़ी लिस्ट आ, यह नवी डेटा टाइप आ। यह डेटा टाइप तुसी पहला सी या सी प्लस प्लस नहीं देखी हुई, यह तुहाडे लई नवी डेटा टाइप आ पाइथन की। हुण जिहड़ी लिस्ट आ, वो एक तरह ना एरे का इक्वलेंट आ पाइथन दे विच। जो काम असी एरे को लेंदे सी सी या सी प्लस प्लस च, उही काम पाइथन दे विच लिस्ट करती है। पर फिर भी एरे ते लिस्ट दे विच काफ़ी हद तक डिफरेंस आ। जिहड़ी एरे सी उहदे विच हमेशा सेम तरह दियां डेटा आइटम्स ही स्टोर कीतियां जा सकदियां सी। उहदे विच जां ते सारियां डेटा आइटम्स जिहड़ियां सी उह इंटीजर हो सकदियां सी, जां फ्लोट हो सकदियां सी, ते जां करैक्टर हो सकदियां सी। पर जदों असीं लिस्ट दे कॉन्सेप्ट चाहुंदे आ, लिस्ट दे विच जिहड़ी डेटा आइटम्स हो सकदियां ने उह डिफरेंट टाइप दियां भी हो सकदियां ने। इहदा मतलब आ जिहड़ी लिस्ट आ उहदे विच जिहड़ियां डेटा आइटम्स ने उह हैट्रोजीनियस ने, उह होमोजीनियस नहीं। जिदा एरे दे विच असीं कहिंदे सी कि उह होमोजीनियस डेटा टाइप्स नूं बिलोंग करदा, पर जिहड़ी लिस्ट आ उहदे विच सेम तरह दियां आइटम्स भी सारियां स्टोर हो सकदियां ने, ते डिफरेंट डेटा टाइप दियां भी स्टोर हो सकदियां ने। ठीक है, बाकी जिहड़ा लिस्ट दा मेन फीचर आ, जदों भी असीं लिस्ट लिखदे हाँ उहनूं हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट दे विच लिखदे हाँ। असीं लिस्ट नूं लिस्ट हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट दे विच लिखी जांदी है। हुण जिदा आपां एग्जाम्पल से एक जे देखदे हाँ, तो बेटा आ तुहाडे कोल एग्जाम्पल गिवन आ। इहदे विच साडे कोल एक लिस्ट आ जिहड़ी असी लिस्ट लैके चल रहे हाँ। आ लिस्ट आ साडे कोल, लिस्ट दे विच जिहड़े एलीमेंट्स आ साडे कोल हैलो 7.529 ABCD एंड 786। हुण तुसी देख सकते हो साडी लिस्ट दा नाम लिस्ट ही है, तो लिस्ट की जगह कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं तुसी लिस्ट ही लिखना इहदे उपर, तुसी कुछ भी लिख सकते हो ना इत्थे। हुण लिस्ट दे विच एक एलीमेंट जिहड़ा फर्स्ट, वह हैलो वह स्ट्रिंग टाइप आ। सैकेंड टाइप 7.5 फ्लोटिंग पॉइंट आ। 29 जिहड़ा अगेन वह इंटीजर आ। ABCD फिर स्ट्रिंग आ, ते जिहड़ा 786 आ भी इंटीजर आ। ठीक है, हुण जिदा असी इस तो पहले स्ट्रिंग दे विच देखिया सी आपां स्लाइसिंग ऑपरेटर, जिहड़ा स्लाइस ऑपरेटर आ वह यूज कीता सी उहदे विच भी। सिमिलरली इहदे विच भी जदों असी उहदियां जदों आपां किसी भी लिस्ट दे एलीमेंट्स नूं रिट्रीव करना है, तो उहदे लई भी असी स्लाइस ऑपरेटर यूज करांगे। हुण जिदा एग्जाम्पल च आपां देखदे हां, जे असी पूरी दी पूरी लिस्ट नूं प्रिंट करना चाहुंदे हां, तां असी उहदे लई लिखदे हां प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिख के लिस्ट का नाम दे देना, जिदा साड़ी लिस्ट का नाम लिस्ट ही है, असी इस करके प्रिंट लिस्ट लिख रहे हैं। तो आउटपुट तुसी देख सकते हो फर्स्ट लाइन पूरी दी पूरी लिस्ट तुहाडे सामने प्रिंट हो रही है। हैलो 7.529 ABCD एंड 786 जो साड़ी उपर लिस्ट सी आज। उस तो बाद सैकेंड असी प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट, अंदर आप इंडेक्स पास कर रहे हैं स्क्वेयर ब्रैकेट जीरो, या मैं जी जीरो इंडेक्स से आइटम है वो आइटम प्रिंट होएगी। हम जो लिस्ट एलीमेंट्स आप देख रहे हैं ना, जेडे हैलो 7.529 ABCD 786, हुण हैलो जिहड़ा उहदा इंडेक्स बेटा हैगा जीरो, 7.5 दा 1, 29 दा 2, ABCD दा 3, 786 दा 4। यानी कि जिहड़ी लिस्ट स्टार्ट होएगी जीरो इंडेक्स तो स्टार्ट होएगी हमेशा, तो मतलब हैलो जिहड़ी आइटम आ उहदा इंडेक्स जीरो आ। जदों मैं प्रिंट दे विच लिस्ट दा जीरो नंबर इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं, तो आउटपुट च आ जाएगा साडे कोल हैलो। सैकेंड जी आउटपुट आएगी कल हैलो आएगी, क्योंकि जीरो इंडेक्स जरा हैलो है। उस तो बाद थर्ड लाइन के मैं प्रिंट करवा रहा लिस्ट टू कॉलन, या आप लास्ट स्ट्रिंग दे विच भी देखा सी टू कॉलन का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड एलीमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड, टू च एक वन प्लस कर लेना है, जो टू कॉलन है तो टू प्लस वन थ्री, आप थर्ड एलीमेंट तो स्टार्ट करा। हम लिस्ट में थर्ड एलीमेंट कितों स्टार्ट होता, 29 तो, मतलब 29 टू द लास्ट ऑफ द लिस्ट। आउटपुट आ जाएगी 29 ABCD एंड
786 29 तो स्टार्ट हो गए। उस तो बाद जिन्ने एलीमेंट्स लिस्ट है गए है उदों तक असी प्रिंट करांगे उन्हें। नैक्सट प्रिंट लिस्ट 2:4 अगेन 2+1=3 थर्ड एलीमेंट 2 4 दे विच भी एक प्लस करो बेटा 2:4 का मतलब 2+1=3 4+1=5 का मतलब थर्ड करैक्टर थर्ड एलीमेंट तो लैके तो फिफ्थ एलीमेंट तक सारे प्रिंट होंगे। ठीक है फोर तक बेटा थर्ड टू फोर्थ ए फोर्थ नहीं एलीमेंट है एक ऐड होना तो आ जाएगा 29 टू ABCD तो आउटपुट आ जाएगी 29 ABCD। उस बाद नैक्सट प्रिंट लिस्ट ऑफ हूँ आप अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट पास कर रहे हैं -1 हूँ -1 स्टैंड्स फॉर द लास्ट एलीमेंट ऑफ द लिस्ट जी लिस्ट की इंडेक्सिंग जी आ स्टार्ट ऑफ द लिस्ट तो माइनस स्टार्ट हो जाती है जिदा 786 आ यदा इंडैक्स -1 आ जे ABCD आ यदा इंडैक्स -2 आदा। ठीक है 29 का इंडैक्स स्टार पिछे तो -3 7.5 का -4 हैलो का -5 मतलब जो आप लिस्ट के पिछों लास्ट ऑफ द एलीमेंट ऑफ लिस्ट तो आप इंडैक्सिंग स्टार्ट करांगे तो लास्ट एलीमेंट का इंडैक्स होएगा -1 एज करके जो आप लिस्ट का -1 इंडैक्स वाली आइटम प्रिंट करांगे जी लास्ट आइटम होएगी लिस्ट यदा मतलब 786 जरा वो प्रिंट हो जाएगा साढ़े सामने। उस तो बाद नैक्सट फिर देखांगे लिस्ट हूँ अगेन उस तरह लिस्ट के जिहड़े आप ओपरेटर जिदा असी स्ट्रिंग च दो ओपरेटर पढ़े है कनकैटीनेशन एंड रेपीटेशन उस तरह ही लिस्ट के विच भी दोनों ओपरेटर ने कनकैटीनेशन प्लस के नाल होएगा तो रेपीटेशन जिहड़ा आस्ट्रिक साइन है साढ़े को स्टार जिहड़ा उहदे नाल आप देखांगे रेपीटेशन। हूँ ये बेटा असी दो लिस्ट लैके चल रहे हैं एक लिस्ट 1 आ एक लिस्ट 2 आ हूँ लिस्ट 1 जिहड़ी है लिस्ट 2 च आ ABCD एंड 786 तो लिस्ट 1 च हैलो 7.5 एंड 2.9 ए दो लिस्ट साढ़े कोल ने। सब तो पहले मैं प्रिंट करवा रहा प्रिंट लिस्ट 1 इंटू 2 आवली लाइन प्रिंट लिस्ट 1 आस्ट्रिक साइन इंटू 2 यदा मतलब है जी लिस्ट 1 है वो दो बार प्रिंट हो जाएगी हूँ जो आउटपुट लिखांगे लिस्ट 1 जी आ है हैलो 7.5 2.9 आउटपुट आ जाएगी दो बार ए देखो लिस्ट 1 दो बार प्रिंट हो गई है तेरे को। ठीक है जे तुसी स्टार तो बाद 3 लिखते तो लिस्ट 1 जी 3 बार प्रिंट हो जानी सी तेरे को। ठीक है आ रेपीटिशन ओपरेटर आ सैकेंड च आप कर रहे हैं प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 दोनों लिस्ट नू आपस कनकैटीनेट कर रहे हैं तो पहला पहली लिस्ट आ जाएगी हैलो 7.5 2.9 उहदे नाल दूसरी लिस्ट कनकैटीनेट हो जाएगी ABCD एंड 786 तो लास्ट के आप लिख रहे हैं प्रिंट लिस्ट 1 प्लस बाय मतलब लिस्ट 1 तो प्रिंट होनी है उहदे नाल की कनकैटीनेट केड़ी होर एक एलीमेंट हो जाएगा बाय जो आउटपुट आएगी हो जाएगी हैलो 7.5 2.9 आ लिस्ट 1 आ उहदे विच नाल की होएगा बाय बाय नाल उहदे ऐड हो जाएगा। ठीक है इस करके असी लिस्ट के दो ओपरेटर देखे ने एक कनकैटीनेशन तो एक साढ़े कोल जिहड़ा ओपरेटर आ वो साढ़े को रैपीटेशन कनकैटीनेशन प्लस दे सिंपल ना रिप्रजेंट किया जाएगा तो रैपीटेशन जिहड़ा आस्ट्रिक साइन साढ़े को स्टार ना जिहड़ा रिप्रजेंट किया जाता उहदे नाल किया जाएगा। उस तो बेटा असी लिस्ट के जिहड़े आ इनबिल्ट फंक्शन देखांगे किहड़े किहड़े फंक्शन साढ़े को लिस्ट दे विच हैगे आ जिहड़े असी यूज कर सकते हैं। हुण बेटा इहदे विच जिहड़े साढ़े कोल ध्यान ना देखो एक दो फंक्शन पिछले स्ट्रिंग नाल भी मिलते होणगे। हुण अगेन बेटा असी एक लिस्ट लैके चल रहे हैं लिस्ट का नाम लिस्ट ही रखे वो एलीमेंट्स ने एप्पल मैंगो ग्रेप्स ओरेंज कीवी बनाना। ठीक है हुण जे असी फस्ट जिहड़ा साढ़े कोल इहदे विच फंक्शन है एलियन लेंथ लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है लेंथ ऑफ लिस्ट सानू आपां देखना चाहते हैं कि साड़ी लिस्ट की लेंथ किन्नी है साढ़े कोल उहदे लिए बेटा साढ़े कोल हुण देखो ध्यान नाल लेंथ ऑफ लिस्ट जो असी देख रहे हैं हुण लिस्ट के टोटल एलीमेंट देखो किन्ने है साढ़े कोल 1 2 3 4 5 6 छे एलीमेंट्स ने लिस्ट एप्पल मैंगो ग्रेप्स ओरेंज कीवी एंड बनाना टोटल काउंटिंग इन्हें 6 है तो मतलब जो लेंथ ऑफ लिस्ट आप देखांगे तो लेंथ ऑफ लिस्ट की आउटपुट साढ़े कोल की आ जाएगी लेंथ ऑफ लिस्ट आएगी साढ़े कोल 6। ठीक है उस तो बाद जो बेटा असी नैक्सट आने इंडैक्स हूँ असी किसी एलीमेंट का लिस्ट के इंडैक्स देखना चाहते हैं कि ग्रेप्स जिहड़ा किन्ने नंबर इंडैक्स ते हैगा लिस्ट दे विच। ठीक है उहदे लिखांगे प्रिंट
लिस्ट डॉट इंडेक्स ग्रेप्स, ठीक है, लिस्ट लिस्ट का नाम डॉट पाके इंडेक्स इंडेक्स में पास कर देना, जेडे आइटम का असं इंडेक्स चेक करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते ग्रेप्स किन्नवे नंबर इंडेक्स से है तो उन्होंने ग्रेप्स पास कर देवे, जो असं कीवी चेक करना चाहते वह इंडेक्स की है तो असं उन्होंने कीवी पास कर देंगे, वो आइटम पास कर देंगे जिदा असं इंडेक्स चेक करना चाहते हैं। हम जिदा आप लिखा लिस्ट डॉट इंडेक्स ग्रेप्स, हम क्योंकि ग्रेप्स जो इंडेक्स आ एप्पल का इंडेक्स जीरो हो गया, मैंगो का वन, तो ग्रेप्स हो गया टू, तो आउटपुट साढ़े को आ जाएगी टू, ठीक है। उस तो बाद बेटा जे असी देखिए रिमूव, एक फंक्शन साढ़े को रिमूव या होने के हम बेटा रिमूव फंक्शन जोड़ा वो की करेगा किसी भी आइलिम आइटम आप लिस्टों रिमूव कर सकते हैं, जिदा हम लिस्ट के आइटम साड़ी आप चाहते हैं कि जी बनाना आइटम आ और डिलीट हो जाए लिस्टों जो प्रिंट हो, अस लिखांगे लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, मतलब जो बनाना वो डिलीट हो जाएगा लिस्टों, सिर्फ तो सिर्फ आउटपुट आ जाएगी एप्पल मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी, आड़े को आउटपुट आ जाएगा। हाँ देखो एप्पल मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी बनाना ये डिलीट हो गया। लैस नैक्सट फंक्शन साढ़े को बेटा ये अपेंड, असी लिखा लिस्ट डॉट अपेंड लीची, अपेंड फंक्शन की करता लिस्ट के विच एक नवी आइटम ऐड कर दिंदा लास्ट ते, अपेंड फंक्शन लिस्ट के लास्ट च एक नवी आइटम अपेंड कर देगा ऐड कर देगा। हम जिदा साड़ी हुण लिस्ट आ जिहड़ी लिस्ट है जिहड़ी हुण आउटपुट चाहिए एप्पल मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज कीवी, जो असी अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे अपेंड की होगा लीची ऐड हो जाएगा, बाकी आउटपुट वही आएगी एप्पल मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज कीवी तो लीची जोड़ा वो लास्ट से अपेंड हो जाएगा, आ अपेंड फंक्शन है साढ़े को, ठीक है। फिर प्रिंट करांगे तो आज को लिस्ट आ जाएगी लीची वाली। नैक्सट लिस्ट नू रिवर्स करना, रिवर्स मतलब जेडे एलीमेंट सब तो लास्ट थे वो सब तो पहले, जोड़ा सब तो पहले वो सब तो लास्ट थे, रिवर्स ऑर्डर से पूरी लिस्ट नू लिखना, उधर ही तुसी लिखोगे लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन, तो हुण लिस्ट नू प्रिंट करोगे लिस्ट उल्टे ऑर्डर से प्रिंट हो जाएगी, लीची सब तो पहला प्रिंट हो रहा देखो, उस तो बाद कीवी हो रहा प्रिंट, उस तो बाद ऑरेंज हो रहा, उस तो बाद ग्रेप्स हो रहा, उस तो बाद मैंगो हो रहा, उस तो बाद एप्पल हो रहा, ठीक है। उधर विच लिस्ट की होएगी सारी लिस्ट ताड़ी सारी शफल हो जाएगी स्टार्ट टू द एंड, ठीक है। आ बेटा साढ़े को इतों तक जी लिस्ट डेटा टाइप सी, उस तो नैक्सट साढ़े को बेटा आता पाइथन दियाँ टपल्स, हम टपल जी नैक्सट डेटा टाइप है साढ़े को जी असं देख रहे हैं। हाँ जी बेटा हुण जिहड़ी नैक्सट डेटा टाइप साढ़े को पाइथन दे विच आ वो पाइथन टपल डेटा टाइप है। हुण टपल जिहड़ी आ वो सिमिलर टू दैट ऑफ साढ़े को जिदा लिस्ट असी पढ़ी है वो लिस्ट वांग ही है साढ़े को डेटा टाइप, पर जिहड़ा मेजर डिफरेंस दोनों दे विच है एक तो जिहड़ा डिफरेंस आ असी लिस्ट जिहड़ी लिखते सी वो असी स्क्वेयर ब्रैकेट दे विच लिखते सी, जबकि जिहड़ी असी टपल लिखते हाँ उहनू राउंड ब्रैकेट जिन्हों पेरेंथिसिस भी कह दें असी लिखते हैं। इस करके एक तो जो मेजर डिफरेंस दोनों चाह है कि जी लिस्ट लिखी जाती है वो एक स्क्वेयर ब्रैकेट लिखी जाती है, तो जी टप्पल लिखी जाती है वो पेरेंथिसिस या राउंड ब्रैकेट के लिखी जाती है। तो सैकेंड जोड़ा मेजर डिफरेंस आ दोनों के मेजर डिफरेंस है कि जी लिस्ट आ साढ़े को अपडेशन हो सकती है, वो कोई नवा एलीमेंट ऐड किया जा सकता है बाद भी, जे असी लिस्ट नू अपडेट करना चाहते हैं सपोज असी चाहते हैं कि लिस्ट के विच एक नवा एलीमेंट असी ऐड कर दिए तो असी वो नवा एलीमेंट लिस्ट के विच ऐड कर सकते हैं बाद विच भी, पर टपल जिहड़ी आ वो इम्यूटेबल आ उनू अपडेट नहीं किया जा सकता, उहदे विच बाद विच कोई भी नवा एलीमेंट ऐड नहीं किया जा सकता। दोनों विच आ मेजर डिफरेंस आ। हुण जे असी एग्जाम्पल देखिए दोनों की बेटा हुण टपल का एग्जाम्पल आ ध्यान नाल देखियो सेम एग्जाम्पल जिदा असी लिस्ट किया उदा ही एग्जाम्पल है साढ़े को टप्पल का भी। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल टप्पल जी साढ़े को हैलो 7.529 ABCD 786 सब तो पहले एक चीज़ नोट करो टप्पल जी तुसी लिखी वो तुसी राउंड ब्रैकेट्स के लिखी है, जी तुसी लिस्ट लिख रहे सी वो तुसी स्क्वेयर ब्रैकेट के लिख रहे सी, ठीक है। हुण प्रिंट टप्पल करांगे जो तो प्रिंट टप्पल करांगे तो बेटा पूरी की पूरी टप्पल जी तुहाडे सामने प्रिंट हो जाएगी प्रिंट टप्पल, आ प्रिंट टप्पल है ये बेटा सारी की सारी तुहाडे कोल आउटपुट आ जाएगी आ जी जो तुहाडी टप्पल आ पूरी, ठीक है। सैकेंड दे विच तुसी प्रिंट टप्पल के अंदर जीरो पास कर दिता स्क्वेयर ब्रैकेट के विच, मतलब जो टप्पल का फर्स्ट एलीमेंट होएगा
हुण फर्स्ट एलीमेंट हैलो आ साडे को टप्पल दे विच, इहदा मतलब जिहड़ी नैक्सट आउटपुट साडे कोल आएगी वह आ जाएगी कल्ला हैलो। ठीक है, नैक्सट असी कर रहे हैं प्रिंट टप्पल टू कॉलन, इहदा मतलब थर्ड एलीमेंट तो स्टार्ट होएगा, टू प्लस वन इज थ्री, थर्ड एलीमेंट टू द लास्ट ऑफ द टप्पल। हुण लास्ट ऑफ द टप्पल साडे कोल बेटा 786 तक का थर्ड एलीमेंट है 29 ए बी सी डी एंड 786, मतलब जो असी देखांगे आउटपुट ये तो आउटपुट आएगी 29 टू ए बी सी डी, आईडी सानू आउटपुट नज़र आ रही है। ठीक है, नैक्सट जड़ा होगा साढ़े को प्रिंट टप्पल टू कॉलन फोर, मतलब अगेन थर्ड एलीमेंट टू द फोर्थ एलीमेंट, टू प्लस वन इज थ्री, कितने तक जाना है फोर्थ एलीमेंट तक, यद मतलब साढ़े को आ जाएगा थर्ड टू फोर्थ आवला 29 एंड ए बी सी डी आउटपुट आ जाएगी साढ़े को आ जी। ठीक है, अगेन टपल स्टार टू रेपिटिशन, टपल दो बार प्रिंट हो जाएगी, हैलो 7.5 29 ए बी सी डी 786, अगेन दोबारा वही टपल फिर प्रिंट हो जाएगी, टू टाइम्स टपल जी प्रिंट हो जाएगी। तो लास्ट के असी कर रहे हैं प्रिंट टपल प्लस बाय, हुण टपल नूं आपां अपडेट कर रहे हैं, कनकैटिनेट कर रहे हैं, उहदे विच एक नवा एलीमेंट असी ऐड कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा सी टपल दे विच कोई नवा एलीमेंट अपडेट नहीं किया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता, इस करके इस केस दे विच एरर आ जाएगी, जिहड़ी एरर आ रही है तुहाडे कोल आईडी ट्रेस बैक दिस वन, इत्थे लिखे आ रहा कैन ओनली कनकैटिनेट टपल नॉट लिस्ट टू द टपल। ठीक है, असी ये टप्पल च टप्पल ही कनकैटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट क्योंकि बाय एक लिस्ट आ, आप लिस्ट ऐड नहीं कर सकते, नवा एलीमेंट नहीं ऐड कर सकते असी। ठीक है, उस तो बाद बेटा नैक्सट असी उस तो बाद बेटा असी पाइथन डिक्शनरीज से आने जी, लास्ट डेट टाइप असी पाइथन च पढ़नी है डिक्शनरी, पाइथन च डिक्शनरी एक डेटा टाइप है साढ़े कोल। हुण बेटा डिक्शनरी जिहड़ी है सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप आ, जिस तरह असी सी या सी प्लस प्लस दे विच स्ट्रक्चर पढ़ते सी ना, उस तरह ही इहदे विच साढ़े कोल डिक्शनरी है। हुण डिक्शनरी का जिहड़ा कोई भी एलीमेंट है ना, उहदे दो पार्ट्स आ, डिक्शनरी च नंबर ऑफ एलीमेंट्स आणगे साढ़े कोल, तो जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ उह बेटा हर एक एलीमेंट नूं दो पार्ट्स होणगे, एक उहदी की होएगी एक उहदी वैल्यू होएगी। जिदा नेम सपोज की है तो वैल्यू सपोज ना आपां दे दिता रोहित, ठीक है, क्लास की होगी वैल्यू होगी सपोज क्लास एम सी ए या बी सी ए जिहड़ी भी क्लास है वो क्लास उहदी वैल्यू हो जाएगी। ऐस करके डिक्शनरी के जिहड़े एलीमेंट्स होणगे उहनां नूं असीं की ते वैल्यू दे कंबीनेशन नाल रिप्रजेंट करांगे। ठीक है, एग्जाम्पल असीं देख सकते हैं इहदे विच, हुण एग्जाम्पल जिहड़ा है बेटा इहदे विच तुहानूं दित्ता होया, हुण आ तुहाडे सामने बेटा एक स्टूडेंट नाँ दी डिक्शनरी बनाई है, आई डिक्शनरी तुहाडे सामने नज़र आ रही है, आ स्टूडेंट इज इक्वल तुसीं लिख रहे हो जिहड़ा, ए स्टूडेंट डिक्शनरी है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण डिक्शनरी बेटा जदों भी असीं डिक्लेयर करनी है स्टूडेंट इज इक्वल टू लिख के, उहनूं हमेशा करली ब्रेसिस ना, आ जिहड़ियां असीं करली ब्रेसिस पाउने आ एंड क्लोज करदे आ, उहदे नाल स्टार्ट होणा ते उहदे नाल ही एंड होणा, आ इत्थों स्टार्ट हो रही है इत्थे बेटा एंड हो रही है डिक्शनरी साड़ी। हुण डिक्शनरी दे विच जिहड़ी आपां कीज़ लिख रहे हैं ध्यान नाल देखो, हुण कीज़ आ साडे कोल नेम क्लास रोल नंबर सबजेक्ट मार्क्स सारिआं नूं सिंगल कोट्स च, उस तों बाद कॉलन तों बाद ना सारिआं दी वैल्यू आ, जिद्दां नेम दी वैल्यू तुहाडे कोल सुशील, क्लास दी वैल्यू बी सी ए, रोल नंबर दी वैल्यू 358, सबजेक्ट तुहाडे कोल मैथ, मार्क्स तुहाडे कोल 78, यानी कि इस तरीके नाल असीं कोई भी डिक्शनरी इहदे विच बनाउणी आ पाइथन च, ते डिक्शनरी दा नाम साडी दा स्टूडेंट, उहदे विच आपां नंबर ऑफ कंबीनेशन लिख रहे हैं, कीज़ ते वैल्यूज़ आपां उहदे विच लिख रहे हैं। ठीक है, हुण जदों मैं डिक्शनरी एलीमेंट्स नूं असैस करना, हुण जे पूरी दी पूरी डिक्शनरी प्रिंट करनी है तो प्रिंट फंक्शन अंदर बेटा डिक्शनरी दा नाम पास कर देंगे स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट पूरी डिक्शनरी पास जिहड़ी प्रिंट हो जाएगी तुहाडे कोल, उहदे च जिन्नियां भी कीज़ ते वैल्यूज़ आ सारियां दे सारियां प्रिंट हो जाणगियां तुहाडे कोल। ठीक है, उस तों बाद बेटा तुहाडे कोल आएगा प्रिंट स्टूडेंट नेम, हुण स्टूडेंट डिक्शनरी च सिर्फ की आपां प्रिंट करना चाहते हैं नेम, हुण नेम की है साडे कोल, नेम साडे कोल आ सुशील, मतलब सिर्फ आउटपुट की आ जाएगा
सुशील आ जाएगा तुहाडे कोल आउटपुट, जिहड़ी सैकेंड लाइन आउटपुट च आ रही है साढ़े कोल सुशील, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट बेटा असी करना चाहते हैं प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज़, यदा मतलब जिहड़ियां सिर्फ कीज़ या वह प्रिंट होणगियां, कीज़ हुण साढ़े कोल ने जिद्दां नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स, वो साढ़े को सारिया कीज़ प्रिंट हो जाएगियां, नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट एंड मार्क्स आ जी नैक्सट लाइन तुहाडे कोल प्रिंट हो रही है। उस तो बाद नैक्सट है प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़, हूँ सिर्फ कलियाँ वैल्यूज़ ही प्रिंट होणगियां, जिहड़ियां वैल्यूज़ आ सुशील बी सी ए 358 मैथ एंड 78, ठीक है। यह डिपेंड करता है भी आप पास की करते हैं, कीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं, क्या आप पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट करना चाहते हैं। जो पूरी डिक्शनरी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डिक्शनरी का नाम पास कर देंगे, जे कीज़ करांगे तो स्टूडेंट नाल डॉट पा के कीज़ फंक्शन लिखांगे, जे कलियां वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट नाल डॉट पा के वैल्यूज़ फंक्शन उसका लिखांगे आप, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट बेटा हुण डिक्शनरी के कुछ जिहड़े आपां देखांगे, हुण बेटा ध्यान दिओ एग्जाम्पल देखो, हुण स्टूडेंट बेटा असीं इत्थे एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं, स्टूडेंट एग्जाम्पल सेम है जिहड़ा असीं पिछे देखिआ, इहदे विच बेटा हुण स्टूडेंट एग्जाम्पल आ जिहड़ी स्टूडेंट आ ये आप डिक्शनरी क्रिएट कर दिती, स्टूडेंट नेम सुशील क्लास बी सी ए रोल नंबर 358 एंड सब्जेक्ट इज़ मैथ। सब तो पहले लेंथ ऑफ स्टूडेंट आप लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ स्टूडेंट, हुण लेंथ ऑफ स्टूडेंट ये किन्ने एलीमेंट्स ने डिक्शनरी, चार एलीमेंट्स, एक नेम एक क्लास एक रोल नंबर एक सब्जेक्ट, इस करके लेंथ ऑफ स्टूडेंट की आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा वो आउटपुट साढ़े को। उस तो बाद आप की किता स्टूडेंट मार्क्स 89 असी ऐड कर दिता एक नवा एलीमेंट डिक्शनरी दे विच। हुण डिक्शनरी नवा एलीमेंट ऐड करन दा तरीका की है, उस डिक्शनरी दा नाम लिखना फस्ट ऑफ ऑल, जिवें एस टी यू साडी डिक्शनरी दा नाम है, स्क्यूअर ब्रैकेट च उहनू एलीमेंट पास, सब तो पहला उहदी वैल्यू पास करनी है जिहड़ी की तुहाडे कोल तुसीं बनाना चाहुंदे हो। हुण जिद्दां असी की बनाना चाहुंदे इहदे विच मार्क्स नूं असी मार्क्स लिख दिता सिंगल कोट च इजिकल टू उहदी वैल्यू दे दित्ती, वैल्यू उहदी असी दे दित्ती 89। हुण तुसीं प्रिंट स्टूडेंट करोगे तो बेटा जदों स्टूडेंट प्रिंट होएगी उहदे विच ना इह जिहड़ा तुसीं ऐड कीता हुणे मार्क्स वाला फील्ड इह वी विच ऐड हो जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है। आ जिहड़ा तुसीं लिख रहे हो क्लास बी सी ए रोल नंबर आ जिहड़ा मार्क्स भी तुहाडे नाल, मार्क्स जबकि तुसीं उपर डिक्शनरी च नहीं स्टार्टिंग च इनिशियलाइज़ करवाया, आ मार्क्स भी ऐड हो गया इहदे विच, आ देखो ठीक है। फिर उस तो बाद एक तुसीं स्टूडेंट सबजैक्ट इजिकल टू इंग्लिश, हुण सबजैक्ट साडे कोल ऑलरेडी हैगा बेटा उपर डिक्शनरी च मैथ सबजैक्ट असी लिखा हुआ, सबजैक्ट मैथ है साडा, हुण जो तुसीं स्टूडेंट सबजैक्ट लिख के उहदी वैल्यू पास कर दित्ती क्योंकि सबजैक्ट ऑलरेडी साडी डिक्शनरी च हैगा, वह सबजैक्ट कहड़ा मैथ, वो अपडेट हो जाएगा उहदी जगह ते सबजैक्ट की आ जाएगा हुण साडे कोल इंग्लिश। हुण जे तुसीं प्रिंट स्टूडेंट करोगे जिहड़ा तुहाडा सबजैक्ट आ उहदे विच बेटा तुहाडे कोल आ जाएगा इंग्लिश मैथ दी जगह ते, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट दे तुसीं डेल डिलीट यूज़ कर रहे हो, डिलीट स्टूडेंट क्लास, मतलब जिहड़ा क्लास वाला तुहाडा इहदे विच हैगा कंबीनेशन बी सी ए क्लास वो डिलीट हो जाएगा तुहाडी डिक्शनरी चों। हुण तुसीं प्रिंट करोगे स्टूडेंट नूं तो जिहड़ा क्लास वाली फील्ड आ वो डिलीट हो गई होएगी तुहाडी सारी, ठीक है। उस तो बाद डबल्यू इज इक्वल टू स्टू डॉट कॉपी, इहदा मतलब डिक्शनरी नूं कॉपी करना, पूरी दी पूरी डिक्शनरी कॉपी हो जाएगी, स्टूडेंट डिक्शनरी कॉपी हो जाएगी, उहदा रिजल्ट किहदे विच आ जाएगा डबल्यू नां दी डिक्शनरी च आ जाएगा। एक नवीं डिक्शनरी आपां क्रिएट कर रहे हैं डबल्यू, कॉपी किहनूं कर रहे हैं स्टूडेंट डिक्शनरी नूं, आपां लिख रहे हैं स्टूडेंट डॉट कॉपी इज इक्वल टू डबल्यू, तो प्रिंट डबल्यू करांगे पूरी डिक्शनरी जिहड़ी स्टूडेंट होएगी वो सारी डिक्शनरी तुहाडे कोल बेटा प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद तुसीं क्लीयर फंक्शन यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट डॉट क्लीयर, स्टूडेंट डॉट क्लीयर का मतलब पूरी दी पूरी डिक्शनरी दे जिन्ने एलीमेंट्स आ वो सारे एलीमेंट्स डिलीट हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट डिक्शनरी की हो जाएगी खाली, उहदे विच कोई एलीमेंट नहीं बचेगा, ना उस नेम बचेगा ना क्लास ना रोल नंबर ते ना सब्जेक्ट। हुण प्रिंट स्टूडेंट करोगे तो बेटा आउटपुट आ जाएगी खाली ब्रैकेट्स, हुण कुछ नहीं प्रिंट होएगा क्योंकि डिक्शनरी चों आपां सारे एलीमेंट्स नूं रिमूव कर चुके हाँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच आ लैक्चर सुनने लई, तुसीं इहनूं रिवाइज़ भी कर सकते हो, इहनूं बार बार मेरे चैनल ते आई टी लैक्चर्स दे उपर भी जाके देख सकते हो तुसीं, थैंक यू बेटा।